हेलो गाइस, वेलकम टू देजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन की बिहाइंड द सीन इमेज के बारे में। इस इमेज को देख के काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन हुआ कि एक्चुअल में ये सूट कौन सा है। अब रूमर्स की माने और अपडेट की माने तो इस सूट का नाम जो है वो है स्टेलिज सूट, जो की रात में पहनने के लिए काम आता है स्पाइडरमैन के और चमकता भी है। अब टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये स्पाइडरमैन होमकमिंग वाला सूट है, बट मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि ये टाइमलाइन पहले की है, यानी कि इन्फिनिटी वॉर से और होमकमिंग से पहले की, तो होमकमिंग वाला सूट तो उसके पास पॉसिबल ही नहीं है। और सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो काफी लोग कह रहे हैं कि ये एक ब्लैक सूट भी है, तो उसका तो कोई चांसेस नहीं है क्योंकि ब्लैक सूट हमेशा वेनम से मिलता जुलता है, तो वेनम के तो कोई चांस और कनेक्शन भी नहीं है और सोनी ने ऐसी कोई डील भी नहीं करी है। और देन मुझे जो लगता है कि ये एक नॉइड सूट है जो कि स्पाइडरमैन ने खुद क्रिएट करा होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन ने पहले भी एक सूट क्रिएट करा था जिसमें कि वो ग्लासेस पहनता था, और देन इसमें सूट में हमें ग्लासेस भी नजर आई है बियॉन्ड द सीन इमेजेस में, तो 100% मुझे नॉइड सूट लग रहा है। आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन जैसे ही बियॉन्ड द सीन फोटो आप देखने वाले जो कि रिसेंट में आने वाली है, तो इसमें वो ग्लासेस भी पहना हुआ है, तो हाँ मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन इसमें वही वाला सूट पहना हुआ है, और शायद होमकमिंग का भी सूट हो सकता है, बट टाइमलाइन के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। और देन इसमें एक फीचर और है, अगर ये सूट रात में पहनेगा तो जैसे वो बीच का बटन दबाएगा तो वो पूरा इनविजिबल भी हो जाएगा, तो ये स्पेशली हमें सिर्फ VFX में ही दिखाई जा सकती है। तो गाइस देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है, और शायद मे भी मुझे तो नॉइड सूट भी लग रहा है और स्टाइलिश सूट भी हो सकता है अपडेट के हिसाब से। आपका क्या कहना है कि ये कौन सा सूट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन अब बात करेंगे हम फ्यूचर अपडेट के बारे में जो कि अपकमिंग मूवी से रिलेटेड है हॉलीवुड की। तो सबसे पहले अगर आप जॉम्बी मूवीज के फैंस हो तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, 2019 में फाइनली शूटिंग स्टार्ट होने वाली है ट्रेन द बसन, बहुत ही अच्छी मूवी है। उसके बाद अभी हाल ही में अपडेट आया कि वेनम एवेंजर्स से क्रॉसओवर हो सकता है इन फ्यूचर, अगर सोनी और मार्वल की डील हुई तो, अभी कोई ऑफिशियल ऐसी कंफर्म नहीं है। आप सभी के लिए हैरी पॉटर से रिलेटेड काफी अच्छी न्यूज है, आपने वोल्डेमॉर्ट का जो सांप देखा होगा फाइनली उसकी एक थ्योरी कंफर्म हो चुकी है और ये कैरेक्टर हमें फैंटास्टिक बीच में देखने वाला है। और देन सबसे बड़ा सवाल, आपको एक्समैन द डार्क फोनिक्स का ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि काफी लोग नाराज हैं इस ट्रेलर को लेके। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर करनेज के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।